देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज संबोधित कर रहे थे जवानों को, तो उन्होंने अपने संबोधन में आत्मनिर्भरता का भी संदेश दिया। मेड इन इंडिया हथियारों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि अब 400 हथियारों का निर्माण भारत में होगा। तो आज स्पेशल जो प्रोग्राम्स लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम बातों को भी हम आपको सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। आज जी डिफेंस स्पेशल में आपकी मुलाकात देश के रॉकेट रक्षकों से भी होगी। आज की ये रिपोर्ट देख करके आपको देश पर बहुत गर्व होगा। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पिछले कुछ दिनों में हमने आपको पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, पहले स्वदेशी फाइटर जेट और पहले स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बारे में बताया है। अब हम आपको बता रहे हैं पहले स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में, जिसने अपने इंडक्शन के साथ ही लड़ाई और जीत का स्वाद चखा था। ये पिछले दो दशकों से भारतीय सेना में बहुत कामयाबी से काम कर रहा है। इसका नाम भगवान रुद्र महाकाल के धनुष के नाम पर पिनाका रखा गया है और ये उसी तरह अचूक और घातक है। अब पिनाका को पहली बार निर्यात का ऑर्डर मिला है। दुनिया के दूसरे देशों की नजरों में भी पिनाका रॉकेट सिस्टम चढ़ चुका है। हम आपको पिनाका के तबाही फैलाने की जो क्षमता है उसके बारे में ही बताएंगे, पिनाका के भविष्य के बारे में ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मेकिंग ऑफ पिनाका दिखाने उस फैक्ट्री के अंदर, जहां भगवान शिव के धनुष के नाम पर ये रॉकेट सिस्टम गढ़ा जाता है। सरहद के खतरनाक पहाड़ी इलाकों में युद्ध के मोर्चे पर जब छिपे हुए दुश्मनों पर वार करना हो तो पिनाका ही काम आता है। बड़े इलाके में बड़ा अटैक करने वाले पिनाका के रॉकेट शत्रु के इलाके में बारूद की बारिश कर देते हैं। पिनाका जैसे रॉकेट लॉन्चर को किसी तोपखाने से ज्यादा कारगर माना जाता है। इसकी रेंज आर्टिलरी गन के मुकाबले बेहतर होती है। इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है। पिनाका का कैलिबर 214 मिलीमीटर का है, जो बोफोर्स के 155 मिलीमीटर के मुकाबले में काफी अधिक है, इसलिए तबाही फैलाने की इसकी ताकत भी जबरदस्त है। पिनाका ने अपनी ताकत का पहला ट्रेलर करगिल युद्ध में ही दिखा दिया था। तब पिनाका को ऑफिशियली आर्मी में शामिल भी नहीं किया गया था। तोलोलिंग की लड़ाई में पिनाका ने ऐसी तबाही मचाई कि दुश्मन को पीछे हटने तक का मौका नहीं मिला। बोफोर्स तोप के साथ मिलकर पिनाका ने अपने सारे टारगेट्स को तबाह कर दिया था। इसके बाद साल 2000 में भारतीय सेना में पिनाका की पहली रेजिमेंट बनाई गई। पिनाका के घातक हमले की वजह है इसकी रफ्तार। अटैक करते समय पिनाका के रॉकेट्स की रफ्तार 4.7 मैक यानी 5700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। पिनाका को आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार मिलती है इसके प्रोपेलेंट में भरे हुए हाई एनर्जी कंपोजिट सॉलिड फ्यूल से। पिनाका बनाने वाले इस फैक्ट्री में पहली बार किसी न्यूज चैनल के कैमरे को एंट्री मिली है और आज आपको पिनाका से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। पिनाका रॉकेट को उसकी पावर कैसे मिलती है, इसमें कितना बारूद है और भविष्य में पिनाका कितना खतरनाक हथियार बनेगा, ये सब कुछ आपको आगे दिखाएं।
पर सबसे पहले पिनाका की तेज रफ्तार का फार्मूला समझिए। किसी भी रॉकेट या मिसाइल के मुख्य हिस्सों में एक प्रोपेलेंट होता है, यानी वो हिस्सा जहां से ईंधन रॉकेट के वॉरहेड यानी हथियार को आगे ले जाता है। आगे वॉरहेड होता है यानी हथियार का हिस्सा जो कि दुश्मन की तबाही फैलाता है। उसके आगे एक फ्यूज़ होता है, उसमें एक हिस्सा कि जो कि वॉरहेड को दरअसल ब्लास्ट करता है, विस्फोट करता है, और प्रोपेलेंट को चलाने वाले जो इग्नाइटर्स होते हैं जिससे प्रोपेलेंट चलता है। यहाँ पर प्रोपेलेंट यानी पिनाका के उस हिस्से की टेस्टिंग चल रही है जो दरअसल पिनाका के हथियार को, वॉरहेड को आगे ले जाएगा। इसकी जांच बहुत ज़रूरी है बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि इसमें अगर कोई भी लीक या क्रैक हुआ तो प्रोपेलेंट पहले ही विस्फोट कर जाएगा, रॉकेट आगे जाने के बजाय वहीं पर फट जाएगा और उससे बहुत नुकसान होगा। इसलिए इसकी जांच यहां पर एक्सरे मशीनों से बहुत अच्छे से की जाती है कि इसमें कहीं कोई क्रैक्स या एयर बबल ना हो। हमारे साथ प्लांट हेड हैं सुनील जायसवाल साहब। जायसवाल साहब, ये हिस्सा रॉकेट का सबसे मुख्य हिस्सा है क्योंकि यही हथियार को आगे ले जाएगा, क्या क्या खराबियां आप इसमें चेक करते हैं और अगर कोई खराबी पाई जाती है तो फिर क्या होता है? कोई भी रॉकेट में एक प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो वॉरहेड को कैरी करता है। प्रोपल्शन सिस्टम कास्ट होने के बाद में एक फाइनल क्लियरेंस के लिए इसको एक्सरे किया जाता है। इस एक्सरे में कहीं पे भी जो वॉइड्स नहीं होने चाहिए, क्रैक्स ही होने चाहिए, ये अगर होगा तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कैरिंग द रॉकेट्स। अगर ये हुआ और कभी बर्न हुआ वो ब्लास्ट होने के चांसेस है, इसलिए इसको यहाँ पे फाइनल क्लियरेंस के लिए बिफोर इंटीग्रेशन वॉरहेड के साथ में लगने से पहले इसको क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पे जितने भी वॉइड्स अगर पूरे ऑल अलोंग दी लेंथ, जितनी लंबाई हो, चाहे छोटा हो या बड़ा रॉकेट हो, कंपोजिट प्रोपेलेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर है कोई भी रॉकेट का असेंबली करने के पहले। इसमें कोई बड़ा होल नहीं होना चाहिए, एयर वॉइड्स नहीं होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होना चाहिए, वो ब्लास्ट होने के कागार पे रहता है। इसलिए यहाँ पे अगर ये रहा तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बारूद या विस्फोटकों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा सावधानी की बात होती है क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और तब ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब 100 किलो या 150 किलो या 200 किलो बहुत ही हाई एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल किसी एक ट्यूब में रखे जाए जो जिसको कि रॉकेट के वॉरहेड को आगे ले जाना है। इसलिए चूंकि कहीं कोई गुंजाइश नहीं, सावधानी हर स्तर पर बहुत जरूरी होती है। पिनाका के प्रोपेलेंट का काम रॉकेट को निशाने तक पहुंचाना होता है। टारगेट पर पहुंचते ही रॉकेट का वॉरहेड तबाही फैलाता है। पिनाका रॉकेट के वॉरहेड का वजन 100 से 250 किलोग्राम होता है और इसमें TNT RDX मिक्सचर के साथ 20,000 से ज्यादा टंगस्टन बॉल्स होती हैं, जो इलाके को पूरी तौर पर तबाह कर देती हैं। जब रॉकेट अपने निशाने तक पहुंच जाता है तब उसका वॉरहेड का काम शुरू होता है। वॉरहेड यानी वो जगह, वो हिस्सा जहां पर बारूद होती है और साथ में कुछ और मटेरियल होता है जो फ्रेगमेंटेड मटेरियल भी हो सकता है, छर्रे भी हो सकते हैं, जो दरअसल तबाही फैलाते हैं। इसके अंदर बहुत ही विस्फोटक हाई एंड एक्सप्लोसिव होते हैं और उसके अंदर दूसरी कई चीज़ें होती हैं जो तबाही फैलाते हैं। वॉरहेड की कैपेसिटी ही किसी भी रॉकेट की जो क्षमता है, कोई रॉकेट कितना अच्छा है, वो ये बताता है कि उसका प्रोपेलेंट उसको कितनी दूर तक पहुंचा सकता है, कितना सटीक वो निशाना लगा सकता है। लेकिन तबाही का काम इस वॉरहेड का होता है, असली मसाला ये वॉरहेड है। जायसवाल साहब, पिनाका का वॉरहेड कितनी पावर रखता है, क्योंकि असली जो काम है वो इसका है? पिनाका का वॉरहेड दो टाइप के होते हैं। एक अगर आप जो देख रहे हैं ब्लैक कलर का, वो प्रैक्टिस वॉरहेड होता है, और एक आप ये जो येलो कलर का देख रहे हैं उसमें हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड होता है। प्रैक्टिस वॉरहेड जो आर्मी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहती है ताकि किसी को ट्रेनिंग देनी हो, इसमें कोई मसाला, डमी मसाला रहता है और उसमें कोई छर्रे नहीं रहते हैं। येलो वाला जो तबाही मचाने का है, इसमें 20,500 छर्रे रहते हैं टंगस्टन बॉल के, और करीब करीब 25 किलो RDX बेक्स कंपाउंड रहता है जो कि तबाही कर सकता है। ये ऐसे एक पॉड में 6 रॉकेट होते हैं जो 44 सेकंड में फायर हो जाते हैं। एक पिनाका रेजिमेंट की एक बैटरी में 6 रॉकेट लॉन्चर होते हैं और हर रॉकेट लॉन्चर में 6 रॉकेट होते हैं। हर रॉकेट में ये इस तरह का एक वॉरहेड लगा होता है जो 50 से 100 मीटर के इलाके को पूरी तौर पर तबाह कर सकता है। 44 सेकंड में सारे के सारे 12 रॉकेट फायर हो जाते हैं। अब अंदाज़ा आप ये लगाइए
कि 6 रॉकेट लॉन्चर्स की एक बैटरी जिसमें हर में 12 रॉकेट्स हैं, यानी 72 रॉकेट्स जब 44 सेकंड में फायर होंगे और हर रॉकेट 50 से 100 मीटर के इलाके को तबाह कर देगा, तो वो कितनी बड़ी तबाही फैलाएगा और वो भी कितने कम समय में। रेंज 13 किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी उस छोटी से छोटी रेंज से लेकर बड़ी से बड़ी रेंज तक। इसीलिए पिनाका सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा पसंदीदा हथियार है आर्टिलरी का, भारत का और अब आर्मीनिया का। वॉरहेड और प्रोपेलेंट को जोड़ने का काम पिनाका के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे बहुत बारीकी से किया जाता है और इसके बाद तैयार रॉकेट की बहुत बारीकी से जांच की जाती है। इसकी उड़ान सही रहे, निशाना दुरुस्त रहे और लंबे समय तक ये कारगर रहे, इसके लिए हर हिस्से को जांचा जाता है। इसका वजन और लंबाई चेक की जाती है। लॉन्च होने के बाद पिनाका की फ्लाइट कैसी होगी, कितनी देर में वो टारगेट तक पहुंचेगा, ऐसे सभी पैरामीटर्स का कंप्यूटर की मदद से पता लगाया जाता है और इसके बाद ये पिनाका रॉकेट तैयार है दुश्मन को तबाह करने के लिए। पिनाका से दुश्मन के सैनिकों, टैंकों को निशाना बनाया जा सकता है और इनके जरिए दुश्मन के रनवे भी बर्बाद किए जा सकते हैं। पिनाका की एक रेजिमेंट में 18 रॉकेट लॉन्चर होते हैं जो 3 बैटरियों में बटे हुए होते हैं। हर लॉन्चर में 12 रॉकेट्स होते हैं जिन्हें केवल 44 सेकंड में फायर किया जा सकता है। अगर पूरी बैटरी एक साथ फायर करे तो 44 सेकंड में कुल 72 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, यानी एक बैटरी 1 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तौर पर तबाह कर देती है। अब यही ताकत भारत से एक्सपोर्ट होकर दूसरे देशों तक पहुँच रही है। स्वदेशी पिनाका सिस्टम के लिए आर्मेनिया ने भारत के साथ एक डील की है। ये डिफेंस डील करीब 2000 करोड़ रुपए की है और इस डील के तहत आर्मेनिया भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम पाने वाला पहला विदेशी ग्राहक होगा। तो अभी जो कॉन्टेक्ट हुआ उनसे, तो उसमें 3 वर्शन है पिनाका के। पिनाका 1 जो 37 किलोमीटर है और पिनाका एक्सटेंड रेंज वो है 45 किलोमीटर और तीसरा है पिनाका गाइडेड जो 75 किलोमीटर है। तो वो तीनों अलग अलग क्वांटिटी का टोटल ऑर्डर जो है, तीनों का एक साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वहाँ की गवर्नमेंट। पिनाका को ट्रक के जरिए ढोया जाता है जिसमें 6-6 रॉकेट्स के 2 पैड होते हैं। पूरा पैड एक साथ बदला जाता है, यानी कुछ ही मिनटों में इसे रिलोड किया जा सकता है। पिनाका की रेंज शुरुआत में 38 किलोमीटर थी जिसे बढ़ाकर 45 किलोमीटर किया गया। अब पिनाका गाइडेड रॉकेट की रेंज 75 किलोमीटर तक कर दी गई है। पिनाका की फैक्ट्री में हमें ये भी पता लगा कि इसकी रेंज बढ़ाने का प्रोजेक्ट कैसे पूरा किया गया। जयसवाल साहब, पिनाका की रेंज 38 किलोमीटर शुरुआत में होती थी, फिर वो 45 हुई, अब वो 75 होगा। प्रोपेलेंट कितना बढ़ाया जाता है, मतलब एक समझने की बात एक लेमैन के लिए कि कैसे उसकी रेंज बढ़ाई जाती है और उससे क्या प्रोपेलेंट बढ़ाकर करते हैं? ये हाँ, दो चीज़ होती है प्रोपेलेंट की रेंज जो बढ़ानी होती है। दो टाइप के देखो, रॉकेट और मिसाइल में पहले 2 डिफरेंस है ये समझ लो। रॉकेट जो होता है वो डायरेक्टेड होता है, उसमें क्वांटिटी ऑफ प्रोपेलेंट और उसका एंगल क्या होगा, एक डायरेक्शन में चलता है जिसमें कोई गाइडेड सिस्टम नहीं होता है। वो एक आप जो एंगल देंगे वो एंगल तक जितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोपेलेंट होगी। जैसे 38 किलोमीटर्स में 101 किलो केजी प्रोपेलेंट है और जो 45 किलोमीटर का पिनाका है उसमें 108 केजी प्रोपेलेंट है, प्लस उसमें हाई एनर्जी मटेरियल है। सो इसमें कंपोजिशन में डिफर करता है कि कितना देर कैरी करेगा करके। इसमें एक गाइडिंग सिस्टम भी लगा होता है, इससे न केवल रॉकेट की सटीकता बढ़ गई है बल्कि अब फायर होने के बाद फ्लाइट के बीच में भी रॉकेट की दिशा बदली जा सकती है। अब पिनाका का फ्यूचर प्लान भी सामने आ चुका है। भविष्य में पिनाका को और ज्यादा स्मार्ट और घातक बनाने की तैयारी हो चुकी है। 15 जून को सबमिट किया है सुमोटो मेक 2 प्रपोजल में। एक है 130-150 किलोमीटर और एक है 250 किलोमीटर। ये पूरा दोनों है तो दोनों गाइडेड रहेगा और उसमें जो 150 किलोमीटर है जो अभी आज के तारीख में अभी तक जो अपने
यूजर जो आर्मी है वो 90 किलोमीटर समर्ज खरीदते हैं, लेकिन ये उससे जो अंदर 30 किलोमीटर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ है कि ब्रह्मोस जो 250 किलोमीटर का काफ़ी हमने प्रपोजल भी दिया, प्रपोजल के बाद में डिस्कशन भी हुआ, हमने उनको ये बताया कि जो आर्मी के अंदर यूज है, जो एयरफोर्स और नेवी को छोड़ के जो आर्मी में जो पर्टिकुलर उसमें सीकर की ज़रूरत नहीं है, जबकि जो ब्रह्मोस का प्राइस है वो करीब करीब 40 करोड़ के करीब है, जबकि हमारा ये प्राइस है ये 8 करोड़ का है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं। क्विक रिएक्शन टाइम यानी जल्द पलटवार करने की काबिलियत पिनाका को बाकी हथियारों के मुकाबले 2 कदम आगे रखती है। जल्दी ही पिनाका की मदद से बॉर्डर पार लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करना भी मुमकिन होगा। पिनाका ने ब्रह्मोस के बाद भारत के लिए हथियारों का दूसरा बड़ा सौदा दिलवाया है। स्वदेशी हथियारों पर विदेशों में भरोसा दिखाया जाना हथियारों के मामले में आयातक से निर्यातक बनने की राह में भारत का एक बड़ा कदम है। टंगस्टन की ऐसी 20,000 से ज्यादा बॉल्स पिनाका रॉकेट लॉन्चर के इस वॉरहेड में भरी हुई हैं। अंदाजा लगाइए कि इस वॉरहेड के अंदर भरे हुए 25 किलो TNT और RDX के विस्फोट से ये टंगस्टन बॉल किस रफ्तार से बाहर आती होंगी और दुश्मन पर किस तेजी से मौत की बौछार करती होंगी। पिनाका की यही घातक क्षमता, इसकी रफ्तार और इसका अचूक निशाना इसको इतना जबरदस्त हथियार बनाते हैं। पिनाका की रेंज भी बढ़ रही है और उसकी सटीकता भी। पिनाका की उड़ान लंबी होती जा रही है और इसी के साथ बढ़ता जा रहा है दुश्मनों के दिल में इस रॉकेट लॉन्चर का कहर। कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, बाजारगांव, महाराष्ट्र। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।